Everyone's again, Assalamu Alaikum. Hope all of you are fine and cool. And most welcome, all of the students. And our today lecture is Committee of Manners. We are discussing about a drama written by William Congreve, The Way of the World. Last day, we have discussed the summary act by act. I mean, five acts have been discussed. And today we are going to discuss the characters of this drama, The Way of the World. And before all this, it is advised, it is requested to all of you, be active, participant, and be initiative. And fantastically appreciative those of the students who are joined the class. First of all, in one of them, I mean Anila Ajaz, Mehvish Tabassum, Fatima Zainab, and Kosar Parveen, and Ikra Sajid. Most welcome all of these students who are initiative students. आज 45 मिनट से हमारी क्लास में, तो उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो कल जिस बंदे ने केपी आई मीन कौशल परवीन ने वो स्क्रीन शेयर की थी, अगर वो कल वाले नोट्स हैं तो आई रिक्वेस्ट हर डू शेयर दोज नोट्स एट द स्क्रीन सो दैट अदर स्टूडेंट्स में रीड देम। ओके, एंड वन मोर थिंग, कोई चीज अगर आपको पूछना है तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। अगर आप इफ यू हैव सम एम्बिग्यूटी, इफ यू हैव सम प्रॉब्लम अबाउट द यस्टरडे लेक्चर, तो कल जो लेक्चर हुआ था उसकी तमाम तर रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने शेयर कर दी थी गूगल क्लासरूम में। ओके, तो fantastic. Okay. Before we start reading, तो आप में से कोई names बताएगा जो all over the characters हैं, male characters हैं, male characters के, फिर कोई female के characters है ना, खाली जाना जोड़ द क्लास है। इकरा एजाज, शमीला बीबी, अनीला एजाज एंड मैं विश तबस्सम, आप में से कोई जो इनके characters के name बताना चाहे, माइक ऑन कीजिए और बता दीजिए। सर मीराबेल, मिस्टर फेनल, सर सर विलफुल एंड वेटवुड, सर विलफुल वेटवुड, मिस्टर फेनल एंड मीराबेल, एंड वो जो है वन मोर है जो उसका बेटा, मिस्टर फेनल। हाँ जी, वेटवेल जो था वो उसका नेक्स्ट, उसका रोलैंड के नाम से, सर रोलैंड के नाम से उसने किया। ओके, तो लेडीज आई मीन फीमेल कैरेक्टर्स में से सर लेडी विशफोर्ड और मिलामेंट्स, लेडी विशफोर्ड, मिसेस फेनल, एक बंदा जो है ना माइक ऑफ कर ले, शमीला आप ऑफ कर लीजिए काइंडली, एक बंदे को बोल लें, मैं विश बोलिए, मिसेस मावोद, फॉयबल, मिनसिंग, मिनसिंग है, फॉयबल है, लेडी विशफोर्ड, मिलामेंट, मिसेस फाइनल, मिसेस, तो एक मावोड, अच्छा ओके, मावोड भी है, ठीक है। ओके, थैंक्स अ लॉट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज करेक्टर्स। स्टोरी कुछ आपको याद हो गई होगी कि आज हम जो है करेक्टर्स के बारे में कुछ मजीद डिस्कस करेंगे, तो उससे आपको मजीद बातें क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम, हाँ जी, ये जब बिल्कुल आपके सबके सामने ये स्क्रीन क्लियर है, आ रही होगी, यस सर, यस सर, ये है करेक्टर्स है द वे ऑफ द वर्ल्ड।
इसमें से ओके लेट मी रीड लिसन टू मी केयरफुली एंड अटेंटिवली द वे ऑफ द वर्ल्ड इज क्रेम्ड विद ह्यूज स्पार्कलिंग एग्जुबरेंट लेट मी जस्ट अ मिनट एक मिनट सर मुझे दीजिए एक सेटिंग कर Yes, the way of the world is crammed with huge, sparkling, exuberant, and witty characters. They are restoration stock characters, but some have an unusual depth. First of all, stock characters, rags. Rags are opportunist young men. Attractive to women, attractive to women and looking for women, intelligent but selfish, hard-edged and witty, users of people, initiators of the action. Rags mean the person who I think जो जरा ट्रेडिशन से हटके हो स्टीरियोटाइप से हटके हो उसे रैक्स बोलते हैं फैशनेबल सोसाइटी से जो ज्यादा ही एक्स्ट्रा फैशनेबल हो उसको रैक्स बोलते हैं फॉप्स भी नेक्स्ट फॉप्स या फॉप्स आर दोज पर्संस हु आर वेल इंटरेस्टेड इन देयर अपीयरेंसेस आई मीन ड्रेसेस दोज मेन आर कॉल्ड फॉप्स फॉप्स आर फूल्स बी रैक्स विद अ पिक्चर Sorry, particular penchant for fashion and opening their social battles, lacking the self-awareness to understand their own silliness, the source of most of the humor. Okay, country bumpkins are also fools. Let me say, country bumpkins are servants, are widows, are the young woman. Okay, so these are general. Things about characters. Let's read the Rags. Who are Rags? First of all, Mirabel. Mirabel, the protagonist, is a clever, honest, young, and fundamentally decent gentleman who is very much in love with Milamant. He is a proud, artful, and generous man of the world and a separate lover too. He is arrogant in his exploitation of love, exploitation of people, relationships. उसकी अब relationships किसके से हैं, किसके साथ हैं? He is the former lover of Mrs. Fennel. Mrs. Marwood likes him too. Lady Wishfort detests him. For pretending to love her in order to get close to her niece Millamant. He schemes to marry Millamant and is successful in winning both her love and her dowry. No one except Fennel and Marwood, whom he exposes at the end as dishonest traitors, minds being manipulated. Nearly everyone benefits from his schemes. Okay, clear. These are simple lines and these are simple things about Mirabel. Next, Fennel. Mr. Fennel. Fennel, an antagonist. I mean villain. The antagonist foiled to Mirabel is a faithless husband who depends on his wife's inheritance for his living. His wit and outward fair behavior have allowed him to enjoy a good reputation with the town. But his true nature is greedy, false, and profligate. Okay, someone has admitted the class. Okay, most welcome.
I'm sorry. Oh, yes, he is greedy and profligate. He is ruthless about winning, but only likes to win if it will hurt others to lose. At the end, he is despicably vindictive, selfish, and cruel and violent too. As he attempts to rush at his wife with his sword-drawn relationships, इसकी relationships हैं जो जी, while he is screaming on an affair with Mrs. Marwood, his wife's friend, he is plotting to take full control of both his wife's and his mother-in-law's estates. He heartily dislikes his wife, although no one realizes it. तो क्या है इसका करेक्टर जो है ग्रीडी है फुलिश है रिलेशनशिप इसके मिसेस मारवुड के साथ भी है और मिसेस फेनल के साथ भी है अपनी फाइव को वाइफ को पसंद नहीं करता बट ऑल द टाउन जो है लोग जो है इस बात को रियलाइज नहीं करते वो छुपा के भी रखता है द यंग वुमन मिसेस मिलामेंट आ प्रोटैगनिस्ट इज एन इंटेलिजेंट यंग वाइफ केस vivacious, fashionable, well-educated lady. As Lady Wishford's niece, she is heir to a fortune if she marries with Lady Wishford's approval. She behaves coyly, affecting a fashionable disdain for the opposite sex. Once again, I would like to read this line. She behaves coyly, affecting a fashionable disdain for the opposite sex. She is willful, witty, and confident. She enjoys Witwoud and Petulant, who make her laugh and share the fashions of the moment with her. She is happy in her independence and anxious to prevent it, sorry, preserve it. Relationships. Millamant is attracted to Mirabel, friends with Mrs. Fennel, and niece to Lady Wishford. She also socializes with Witwoud and Petulant. She realizes through the course of the play that she loves Mirabel. Characters, the young woman. Mrs. Fennel. Mrs. Fennel is the unhappy wife to Mr. Fennel, daughter to Lady Wishford, heir to her fortune. Her mother raised her to hate men. Mrs. Fennel is clever and cautious and generous. Relationships. She was married to Langwish. After she was widow, she married to keep her then love affair with Mirabel safe. She can hardly bear her husband and still loves Mirabel. She is a loyal and generous friend to her cousin, Mrs. Millamant. She is an intimate friend of Mrs. Marwood until she learns that Mrs. Marwood is her husband's lover. Mrs. Marwood. An antagonist is secretly the mistress of Fennel, her best friend's husband. She is greedy and hypocritical because she deliberately sets out to destroy the happiness of others, and because she is duplicitous to her friendship, she is finally seen as an adulteress and a traitor. Relationships.
She is a false friend to Mrs. Fainall. Although she pretends she hates him, Marwood likes Mirabel and is jealous of his attention to Millamant. Even the trusting Lady Wishford, who believes Mrs. Marwood's loyal friendship has saved her from the disgrace and villainy of others' plots against her, comes to see her as a wicked accomplice. The widow. Wishford. Lady Wishford is a grand dame of 55. A funny but endearing figure, quite blind to her own inconsistencies. She is desperate to get a husband and quite unaware of the plans afoot to rob her of her fortune and her good name. She holds the key to the money and the marriages. She is the source of the greatest humor and liveliness in the play. She is the dupe of nearly everyone close to her, including her own daughter. And while she is in danger of losing her fortune, she is more worried about damaging her reputation. Her makeup is thick and of great concern to her, but she fancies herself attractive to men. While she has raised her daughter to hate men, she is not reconciled to life without them. She is at great pains to keep up appearances and she suffers humiliation, but she recovers with good grace and forgives all. Relationships. She is Mrs. Fainall's mother and Mrs. Millamant's aunt and despises Mirabel, who increasingly insincerely courted her. Fools. There are two fools. These are Mr. Whitwood and Petulant. Whitwood is a fop, a slave to fashion, both in appearance and behavior. He prides himself on his wit and charm and is a favorite of the ladies. His chief usefulness is entertaining with his droll wit, and he is taken into the confidence of the ladies thrice weekly cables as they gossip and pronounce their fashionable opinions on marriage, men, and morals. By his good-natured affectation and unselfconscious methods, he allows the other characters to disguise their true emotions. His superficial and careless remedy of jokes, smiles, and puns relieves tension and unwittingly exposes the foolishness of contemporary fashion and manners. While he is foolish, he is also harmless, and he gives us some very funny and insightful methods, moments, relationships. Friend of Petulant, admirer of Millamant, cousin to Sir Wilful Whitwood. Petulant. An affected dandy and flower of Mrs. Millamant, he is often rude and ill-humored, peevish and capricious. Capricious, he is illiterate and proud. Boorish and vain. He lacks fineness and thinks it wit to loudly insult ladies in the park. To give the impression that he is popular, he pays ladies off questionable
virtue to call on him in public places, and he also disguises himself in order to call upon himself in public. He likes Mrs. Millamant, but is made well too. But his maid will do. Witwoud is alone in finding him brilliantly funny. Relationships, friends to Witwoud, hanger on and admirer of Millamant. अब ये जो दो करेक्टर हैं विटवुड एंड बेटीलैंड, ये बाई करेक्टर हैं, मेन करेक्टर नहीं है. मतलब ये लाइक करते हैं मिलामेंट को, और आपने देखा भी है बोथ ऑफ दीज आर कजन्स एंड फ्रेंड्स भी हैं. तो इतना प्लॉट को आगे बढ़ाने में नहीं है, बट दे आर लाइक्ड बाय लेडीज एज कंपेयर टू बेटीलैंड. विटवुड जो है विट्टी है, जॉयफुल है और एक्सेप्टेबल भी है एज कंपेयर टू मिलामेंट. लेकिन ये दोनों जो है लाइक करते हैं मिलामेंट को, और मिलामेंट लाइक करती है मीराबेल को. द फूल्स आगे है. द फूल्स है सर. विलफुल विटवुड इज हाफ ब्रदर बाय मैरिज टू विटवुड. ये विटवुड का वो जैसे हम मतरैया कहते हैं वो भाई है, माँ या बाप की तरफ से हाफ होगा. He has come to London to look around before setting out on his travels, and he finds he does not understand the lingo of the fashionable world. Sneers at the fashions he finds there. He is a country bumpkin with a good nature and a will to please. He serves as a foil to the well-bred. In contrast to their studied rudeness and affectation, he is simple and matter of fact. He gladly agrees to marry Millamant as a last resort to save her fortune. He is another actor in Mirabel's clever plan to catch Fennel and Mrs. Marwood in their deception and to lure Lady Wishford into his trap. रिलेशनशिप्स, इसके सिर्फ एक ही रिलेशन था, वो था उसका कजन विटवुड. बट वो जो है लेडी विशफर्ड, वो चाहती है कि मिलामेंट की शादी इससे हो जाए और मिलामेंट की जो है फॉर्चून है वो रिजर्व हो जाए. फोएबल इज लेडी विशफर्ड्स क्विक विटेड डिसेम्बलिंग गुड हार्टेड वेटिंग वोमन है ये. She nonetheless helps dupe the lady as a willing participant and in Mirabel's plot. Since her betrayal is in the cause of love, and since no one is injured, she is forgiven in the end. Lady Wishford uses her as an emissary to procure a husband for herself, and Foible ends up with her own husband, Mirabel's servant Waitwell, as well as one for Millamant. As a servant, Foible is aware of much that other characters would like to hide. Through Foible's assistance, Fennel and Marwood's adulterous affair and their designs to steal her lady's fortune are found out and justly brought to closure. Relationships. Servant Lady Wishford. Wishford, friend of Mincing. She helps Mirabel by marrying Whitwell. Okay. Wishford ki ye servant hai. Mirabel ko mand karti hai shadi karne mein. Aur Wishford nahi se इस काम पे लगाया होता है कि कोई अच्छा सा साहिब नजर आए तो मुझे बताना जरूर, तो फिर वो अपने ही खामन को हमसे मिला देती है. मिनसिंग इज अ लॉयल वेटिंग वुमन टू मिलामेंट विद हर फ्रेंड फोएबल. मिनसिंग विटनेसेस ओके समवन इज वन आस्क कोई चीज पूछना चाहते हैं आप. ओके
Mincing is a loyal waiting woman to Millamant. With her friend Foible, Mincing witnesses and co-reports Fennel's and Morwood's affair and so helps expose that deception. Their testimony leads to Lady Wishford's blessing of the marriage between Mirabelle and Millamant. Mincing's affectations are another source of humor in the play, as she lisps so that she won't move her lips and crack her makeup. Relationships, friend to Foible, servant to Millamant. Waitwell is loyal and quick-witted. He is instrumental in Mirabelle's marriage plot. Eager to please, he agrees first to marry Foible in order to better secure Mirabelle's plan. And secondly, to impersonate Mirabelle's uncle in order to woo Lady Wishford. As Mirabelle's invented uncle, Sir Rowland Waitwell gives a wonderful performance that convinces the lady of his desire for her. It is his gallant love act that places Lady Wishford in the embarrassing position of being fooled once again by a suitor. By helping to place her at the mercy of her enemies, Waitwell clears the way for Mirabelle to extricate her, gain her gratitude, and marry Millamant. Relationships, loyal servant to Mirabelle. Okay, so ye the janabe wala characters jo ki aap logon ne bahut hi gaur se sune. Thanks a lot. अटेंटिवली तो मेरा ख्याल आप सुन रहे हैं, जाग तो रहे हैं ना, ये तो नहीं नेट क्लास ज्वाइन करने के बाद अपने काम धंधे में लग गए हो. आर यू हियर? सर जाग रहे हैं. यस सर. जी सर जाग रहे हैं. आज मेहरबानी, मेरा नहीं ख्याल कर रोजा ऐसा नहीं कि सोफे में घुस के आराम से फैन ऑन किया और बस हीर सुने जा रहे हैं. इट्स ओके. और रोजा गुजरे जा रहे हैं. अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट थिंग है इसमें, ये स्ट्रक्चर एंड स्टाइल है. एक उस दौर का रेस्टोरेशन पीरियड में एक स्टाइल हुआ करता था, यूनिटी एंड हार्मनी उसे कहते थे. ये ड्राइडन जो था उस वक्त का जो प्ले राइट वो बड़ा फेमस था, जॉन ड्राइडन, तो उसकी ये एजाद है. तो इसने भी ये, विलियम कॉन्ग्रीव ने भी ये एलिमेंट यूज किया है. इसे यूनिटी एलिमेंट कहते हैं. ये इस ड्रामा की जो है स्पेशलिटी भी है, यूनिटी एलिमेंट है. अब ये यूनिटी एलिमेंट क्या है कि यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन. और यूनिटी ऑफ टाइम से मुराद ये होती है कि ये प्ले वन डे होता है, मतलब वन डे में पूरा प्ले खत्म हो जाता है. एक ऐसी सिचुएशन होती है जो एक 24 आवर्स पर ही मनहसर होती है. कैसा यूनिटी ऑफ टाइम है कि ऐसी बातें नहीं होती कि सदियों या नस्लों पीछे कोई उखेड़े किए जाते हैं. तो ये बातें होती हैं कि ये ऐसा भी है, ऐसा भी है. जस्ट जैसे एक 24 घंटे के अंदर अंदर कोई सिचुएशन बनी है और वो सारी सिचुएशन 24 घंटे ड्रामा पूरे का पूरा जो है ना, टाइम के लिहाज, टाइम स्पेन के लिहाज से वो 24 आवर्स पर मुश्तमिल होता है. ये यूनिटी ऑफ टाइम है. ऐसा नहीं है शेक्सपियर्स के ड्रामों की तरह के वो बाप का कत्ल है और बीवी का है, फलां है, और फिर वो पीछे चला जाता है, फिर फ्यूचर में चला जाता है. एक दिन हो गया, आफ्टर 10 ईयर्स ये हो गया, आफ्टर 2 ईयर्स ये होगा. नो नो नो, 24 आवर्स पर डिपेंड करता है. ये इसे यूनिटी ऑफ टाइम कहते हैं. रिक्वायर्स द प्लेस एक्शन टेक्स प्लेस इन 24 आवर्स आर लेस. इससे कम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते. और टेक प्लेस क्या होता है, एक ही जगह पे ये टेक प्लेस होता है, डिफरेंट प्लेसेस पे ये टेक प्लेस नहीं करता. एक्शन जो है इन अ सिंगल लोकेल, एक ही इलाके में, एक ही कॉलोनी में, एक ही सेक्टर में ये होता है. ये नहीं है कि डिफरेंट कंट्रीज में ऐसा हो रहा है, कोई डिफरेंट सिचुएशंस आपको दिखानी पड़ रही, डिफरेंट कल्चर्स दिखाना पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है. तो यूनिटी ऑफ टाइम भी होती है और यूनिटी ऑफ प्लेस भी होती है और यूनिटी ऑफ एक्शन भी होती है.
उसमें एक आगे एक इसमें और चीज है यूनिटी ऑफ एक्शन में कि इसमें जो सेंट्रल स्टोरी होती है वो सिंगल होती है, एक्शन सिंगल होता है, ओनली वन सेंट्रल स्टोरी होती है इसके अंदर, डिफरेंट स्टोरीज नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक बाई स्टोरी शुरू नहीं हो जाती है, एक मेन स्टोरी चल रही है उसके आगे उसके बेटे की नई स्टोरी शुरू हो गई, उससे एक नई स्टोरी शुरू हो गई, उससे एक नई स्टोरी शुरू हो गई, जिसे बाई प्रोडक्ट स्टोरीज भी कहा जाता है अक्सर। मे भी आप अगर आप और भी कॉमेडीज देखें, एक आप अक्सर नॉवल पढ़ते हैं, आपने मेरे ख्याल वो जोसेफ एंड्रयूज पढ़ा होगा, जोसेफ एंड्रयूज की कहानी एक एक्चुअली एक रोड सागा है, यानी वो रोड के साथ साथ सफ़र करते हैं और उसमें एक बाई प्रोडक्ट नोरा की कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, वो एक सवारी में बैठे होते हैं तो वहाँ पे एक पैसेंजर को कहानी सुनानी शुरू कर देता है, वो एक अलहदा से कहानी शुरू होगा। मतलब ऐसी बाई प्रोडक्ट इसमें नहीं होती। यूनिटी ऑफ एक्शन में ऐसा ड्रामा जिसमें यूनिटी ऑफ एक्शन हो, या यूनिटी ऑफ एक्शन कहते हैं एक सिंगल कहानी होती है, सेंट्रल कहानी होती है, एंड नो एक्शन नॉट रेलिवेंट टू द प्लॉट एंड हैव नो एक्शन नॉट रेलिवेंट टू इररेलीवेंट टू द प्लॉट जो है ये होता है। बाकी जो है आप इसमें एक दफ़ा फिर से नेक्स्ट टाइम जो है आई मीन यूनिटी ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिटी को डिस्कस करेंगे और इसे आप पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फिर इसको पता चलेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो है इम्पॉर्टेंट थीम्स जो है इसके दी वे ऑफ द वर्ल्ड नेक्स्ट टू लेक्चर्स में, जो हम इसे ड्रामा को क्लोज कर देंगे। ओके, तो ये जितने नोट्स दिए थे मैंने, मेरा ख्याल है इनमें से यही चीज़ें पढ़ने वाली थी जो ये वाले नोट्स हैं, या एक चीज़ और इसमें है कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है वो बताई गई है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो पढ़ लेंगे थोड़ा सा इन नोट्स में, और बाकी मैं और नोट्स आपको शेयर कर दूंगा जिसमें इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं। हमने करेक्टराइजेशन पढ़ ली है, एक्ट बाई एक्ट समरी पढ़ ली है, तो इम्पॉर्टेंट थीम्स पढ़ेंगे और इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और क्रिटिकल अप्रिसिएशन पढ़ सकते हैं, दो चीज़ें जो हम पढ़ेंगे, और इसके साथ द वे ऑफ द वर्ल्ड जो है वो क्लोज हो जाएगा। एंड थैंक्स कौसर फीन फॉर शेयरिंग स्क्रीन सर। जी जी सर, इसमें यूनिटी ऑफ टाइम कैसे होगी? ये पूरा ड्रामा जो है वो 24 आवर्स पे तो नहीं है कि, मतलब पूरी जो स्टोरी है वो 24 आवर्स में तो कंप्लीट नहीं ना हो सकती, मतलब वो दिखाया गया एक दिन में तो नहीं ना वो कंप्लीट, कैसे नहीं हो सकती? सर देखिए, मतलब उसने जो सारा प्लान बनाया मेरा वेल ने और वो सारा कुछ, वो मतलब ड्रामे में तो वो सारी स्टोरी 24 आवर्स में नहीं ना कंप्लीट हुई, अगर सिर्फ हम परफॉर्म करें फिर तो हो सकती है। हाँ हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि वो उसने कहानी इस तरह से बनाई है, परफॉर्मेंस आप अगर एक्ट, ये तो हमने समरी पढ़ी है ना, कहानी पढ़ी, कहानी यूं लगती है कि जारी बात है वो पहले मिस विश्वर्ट को भी अफेयर करता था, वो फ्लॉप हो गया, उसकी फेनल की शादी करवाई, ये हो गया वो हो गया, तो फिर तो वो लंबी कहानी लगती है। लेकिन आप देखे ना, अगर एक्ट वाइज उसको देखें, एक्ट वाइज फाइव एक्ट्स में जैसे वो डिपिक्ट होती है, सीन पे आती है, तो उन सीन से हमें पता चलता है कि अच्छा ये तो विडो थी, ये तो पहले ही मीराबेल पे मरती थी, उनकी बातों से ये पता चलता है। तो वो फाइव एक्ट जब प्ले होते हैं वो विद इन 24 आवर्स प्ले हो जाते हैं और उन्हीं से इन बातों का, उन्हीं एक्ट से इन बातों का पता चलता है कि मिसेस फेनल जो है वो ऑलरेडी विडो थी और ये मीराबेल ने ही इसकी शादी करवाई थी। अगर आप एक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट देखें ना, तो वो 24 आवर्स में ही लगती है। देखें ना कि पहले एक्ट में फेनल और मीराबेल की आपस में गपशप है, प्लेइंग कार्ड है, और दूसरी बात मेन चीज होती है कि विटवेल और फोइबल की शादी हो जाती है। ओके, एक्ट खत्म, सीन खत्म, दूसरी में वो गपशप लग रही होती है। तो जो डेवलपमेंट हो रही है एक्ट टू एक्ट, फाइव एक्ट्स जो होते हैं वो तो एक ही दिन की 24 आवर्स की कहानी है और विद इन 2 आवर्स वो एक्ट जो है डिपिक्ट कर दिए जाते हैं। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, सी यू नेक्स्ट डे इंशाल्लाह। और कोई बात पूछनी है आप लोगों ने तो आई एम अवेलेबल एट व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म, यू कैन आस्क 24/7 कोई भी चीज, कोई भी बात, कोई एम्बिग्यूटी पूछना है। अपना ख्याल रखिए,
और बॉयज में से जो है बहुत कम अटेंडेंस है, करम से दरख्वास्त है कि मुझे ये स्क्रीनशॉट लाजमी जैसे कल आपने सेंड किए थे और वो हार्ड फॉर्म में अटेंडेंस ज़रूर लें, ठीक है। तो इसी की बेस पे जो है आपके सेशनल मार्क्स आएंगे। मोहम्मद शहजाद है, करम है, तो आप जल्दी क्लास अटेंड किया कीजिए, ठीक है। तो सी यू नेक्स्ट डे इंशाल्लाह ताला, अपना भरपूर ख्याल रखिए। ओके सर, अल्लाह ओके हाफिज़। सर।